अस्तगफिरुल्लाह। बाकी यार ये क्या चीज है, ओ चूहा यार इधर चला गया इसके अंदर, बदला है इसके अंदर। हाँ ना, वो दीवार के साथ चढ़ता गया है, पता नहीं कौन सा था। तेरा पलाऊ इधर से क्या लट गया है? इधर है कुछ भी नहीं। मैंने सोचा किल्ली चढ़ गई है। ये क्या है? ओहो किधर, एक में से ये निकला धागा ऊपर लगा हुआ है, दूसरा ये है। पहले ये खोलते हैं इसमें क्या है। मैं तो नहीं मानता तवीजों शवीजों को, आप भी नहीं मानते? मैं नहीं मानता हूँ। पहले आप मानते थे? पहले बोला बड़ा यकीन करता था इस पे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें बात रहें। और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज कुछ अनोखा होने वाला जी। ये कमरे की सफाई कर रहे हैं भाई, दिखाते हैं आपको। ये जी माशाल्लाह इस रूम की जो है सफाई कर रहे हैं भाई, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त भाई साहब। ये इसका क्या इलाज है यार? ये तो कालक खालक लगी हुई है। ये कालक, ये काली वाली जो है ना? हाँ बिल्कुल रखते हैं। हाँ पतीली, पतीली वाली हांडी जो है ना यार, किसी और चीज़ के ऊपर रखें वो सही रहेगा। बाहर से भी करेंगे सफाई अभी? हाँ बाहर करूँगा। सही, किचन की भी? उसके बाद किचन भी करूँगा। चलो मैं अभी हल्को रहता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ लूँ बस। ठीक है, नमाज़ पढ़नी आ जाए आप भी? नहीं, चलो ठीक है मैं पढ़ने लगा हूँ। हाँ ओके ओके। अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के वापस आए, और माशाल्लाह ये देखें बहुत अच्छी सफाई कर रहे हैं भाई। ये जी भाई साहब इधर लेके आ रहे थे और नया गिलास तोड़ दिया इन्होंने। चलो जी, जो होना था फिर हो गया, अब उठाएं अब इसको। किस तरीके लेके जाओगे? ये यार एक बार छाड़ लेते, इसके अंदर बड़ी मिट्टी है। हाँ ये जो है ना, ये गिलास भाई साहब तोड़ दिया, खसारा हो गया। ये बच गया, अब इसको कांच के टुकड़े उठा लेते हैं। यहाँ पे किसी को लगे नहीं ना, खसारा जो होना था वो तो हो गया। फिर इधर पीछे फेंक देते हैं। लो जी बेड लग गया हमारा, वाह जी वाह, क्या बात है जी, बेहतरीन किस्म का बेड। हाँ हाँ, प्योर बेड। ये दूसरी तरह रखते हो, ये उल्टा रख रहे हो? सही है। अच्छा सही है, तो फिर ठीक है। ये ऊपर वाला ये उतारना दें इसको? हाँ? ये वाला सिस्टम जो है ये नहीं, रियर है, ये सऊदी का है। अच्छा अच्छा सही है। इस चारपाई के नीचे बहुत गंद है। इसको ना चारपाई को उठा के ना इस साइड पर रखते हैं, इधर से नीचे से गंद निकाल के फिर। सही है सही है, ठीक हो गया। ये एक नीचे क्या बना है? ये तकिया। तकिया सही है, आई वाह बेहतरीन। दो आदमी हाँ, तीन भी सो सकते हैं बस। ये हो गया सिस्टम, बेहतरीन हो गया जी। ये छोटा कंबल किसका है? ये सरदार का है। सरदार भी छोटा ही है। वो ही ना, उसकी तरह ही है, सेम टू सेम। अभी जो है ना हम किचन की भी सफाई करेंगे, ये बाहर भी करेंगे थोड़ी सी सफाई। ये सरदार साहब ने नया पावर बैंक लिया जी, ये आज ही है? नहीं छोटे भाई ने दिया है इसको। अच्छा छोटे भाई ने, सही है। ये चलता कैसे है? इसमें कितनी चार्जिंग है? लाइट भी है इसमें 75%। अच्छा अच्छा लाइट भी नज़र आ रही है बिल्कुल, वो कैसे चलेगी? ये वाह ठीक है ठीक है, ज़बरदस्त यार। पावर बैंक होने चाहिए, दो तीन होने चाहिए यहाँ पे ना। हाँ क्योंकि यहाँ पे ना बिजली नहीं होती ना। ये कितने का MAH है? अच्छा जी ये जी 20,000 MAH है। अच्छा यार मेड इन चाइना है, फिर अच्छा नहीं है, चाइना वाला अच्छा नहीं है। ठीक है चलता है यार, चार्जिंग तो करेगा ना? काम तो चल जाएगा। तीन लगी हुई केबल, एक टाइम पर लगाओ आप। सही है बेहतरीन है। इधर भी कोई बंदा सोएगा? सो जाए मुश्किल नहीं है। अच्छा बिस्तरा तो महफूज हो जाएगा ना? सही है सही है। किरली है लास्ट में, उधर किरली है देख के जरा, वो जैसे टोपी नहीं पड़ी हुई। हाँ हाँ। उसको ऐसे खींचो ना बैग को, ये वाला ऊपर बैग, बैग जो इसको खींचो जरा, वो किरली किरली है। ये ऊपर बैग के ऊपर आ गई यार, मुझे डर लग रहा है। हो गई ये किरली है। ये मोतियों वाला नाला सरदार का, ये फैशन है मेरे ख्याल में सिंध का। हाँ हाँ। कल्चर है आपका कल्चर ना, ये छोटे लगता है बच्चे किसी के कपड़े सरदार के।
सरदार सरदार इधर देखो सरदार सरदार ही हो रहा है। ये टोपी सरदार की पड़ी हुई है, सरदार की पड़ी हुई है। ये देखते हैं, ये सिंध का कल्चर है। हाँ हाँ। ये पहने जरा, फिर मैं पहन के चेक करूंगा। माशाल्लाह जी, पता लगता है सिंधी है। हाँ ना, सिंधी है ना। अभी मुझे दें जरा, मैं ट्राई करता हूँ। ये पफ जो आगे रखते हो। हाँ, हाँ। इधर ये देखें जी, कैसा लग रहा हूँ मैं, कमेंट करके बताएं जरा। ये थी। तो जो ऐसे रखते हैं पीछे ऐसे करके, उनका क्या सीन है? वो दूसरे बंदे खतरनाक बंदे हैं। खतरनाक, समझ ले वो भाई। हाँ। समझ लो फिर, जो ये वाला सिस्टम पीछे रखते ना ऐसे, बस वो समझो खतरनाक बंदे हैं, उनसे बच के रहने भाई साहब। ठीक है, चलो जी। इधर चार्जर वगैरह हर चीज इधर ऐसी फेंकी हुई है, कोई ख्याल नहीं है। चलो अभी इसको सेट करते हैं। ये टिकट है? पुरानी टिकट है ये, पुरानी है किसी की। सही है, सही है। सरदारों की होगी, सरदार साहब की। ये क्या है? ये बीज है, बीज। अच्छा, बीज है। क्या क्या निकल रहा है? ये डब्बा मोबाइल का, ये आइटल का। क्या क्या जमा किया हुआ है यार आप लोगों ने? ये सरदार का बैग है ना? ये गर्मियों की बहुत अच्छी है, ये निकाल के रखो गर्मियों में ना। देखे ना जरा, आई वाह, बहुत अच्छी चीज़ है ये गर्मियों के लिए ना। ये पूरा बैग उन्होंने भरा हुआ है यार, किसी का बैग नहीं फोलना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तानी की? नहीं, सऊदीया की। पाकिस्तानी, मैंने भी सोचा पाकिस्तानी जैन किधर से आ गई। ये वो है दूसरा, उसका क्या कहते हैं, सिलेंडर का। ये टैक्सी चाहिए तो ये ले। टैक्सी किसी को चाहिए सऊदी अरब में? ये नंबर इसका लिखा हुआ है, ये मिशन है गाड़ी वाली। चलो फिर इसको उठाओ, ऐसे ही ना कचरा फेंकते हैं बाहर, जो चीज़ चाहिए वो साइड पर कर लेते हैं ना, बाकी फेंक देते हैं। क्या ख्याल है? ये कीमती चीज है। तेरा पुलाव इधर से क्या लट गया है? इधर है कुछ भी नहीं। मैंने सोचा किल्ली चढ़ गई है। अच्छा, ये था लाहौला वाला कुत्ता। ये किस तरह कीमती है? ये मुसाग है, मुसाग पता है? अच्छा, हाँ मुसाग। अच्छा, ये दांतों के मार। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सही सही है। और ये तवीज किस लिए यार, ये क्यों रखे हुए हैं? पहले जो मुंडा था ना इधर। हाँ, वो कौन था, शिया था? अहले सुन्नत का था। लो जी, अहले सुन्नत के ये तवीज़ पड़े हुए हैं इधर, कोई हिसाब नहीं है यार इन फिरकियों का भी। चलो हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसको रखो, मुश्किल नहीं है, फेंकेंगे नहीं हम। क्या ख्याल है? नहीं, बाहर फेंकेंगे। अगर उसको चाहिए तो ले ले, अगर नहीं चाहिए तो फेंको बाहर, इसका क्या काम है। ये देखो भाई साहब, ये अहले सुन्नत। हाँ ना, ऐसे समझो कि ये वजन ही है इस कमरे में, ये वजन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी का दम हुआ हुआ है, ये दम हुआ है। इसको जो है ना, अभी मैं खोलता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर है क्या। नहीं खोलो तो बेहतर है। क्यों नहीं खोलो? नहीं खोलते, इसका असर तुम्हें चल जाएगा। ओ खुदा के बंदे, कसम, ये सीधी बात है। कसम क्यों उठा रहे हो यार? हाँ है ना, हमें पता है ना यार। ऐसी भी कौन सी इसके अंदर बात होगी यार, अजीब सी, किसी ने दम किया हुआ। मैं खोलूंगा इसके अंदर, चेक करूंगा, आपको दिखाऊंगा यार क्या फार्मूला है इसके अंदर। नहीं दिखाना आपको, क्यों दिखाऊंगा मैं? मैं अपने लोगों को, ऑडियंस को दिखाना कि ये अहले सुन्नत का यार। देखते हैं यार क्या इसके अंदर। ये किस किस के, ये साबुन दवाई। साबुन भी अंदर रखा हुआ है, ये सारे कचरे ही है। ये शाम रखो, ये ये इसके ऊपर रखो, ऊपर किसी जगह पे ना, कुरान पाक कवर का, इसको बंद ही रहने दो, मुश्किल नहीं, बंद ही रहने दो इसको। इस नंबर को निकालो, इसको ऊपर रखते हैं उधर, कुरान शरीफ के ऊपर रखो, वो ऊपर रख देते हैं इसको कहीं ऊंची जगह पे। इधर कुरान पाक पड़ा हुआ है ना? हाँ पड़ा है। तो यार थोड़ा सा एहतियात किया करो, इसके सामने जो है ना टांगे नहीं है इस तरह रखते, मिसाल जिस तरह आपने ये इधर लेटते हो ना। हाँ हाँ। तो कुरान पाक को कोशिश कर इधर रखें ऊपर, इस साइड पे, ऐसे ही करेंगे, एहतराम किया करें इंशाल्लाह, लाजमी। ये देखें ये क्या चीज़ है जी, चलो देखते हैं इसका तजर्बाज करते हैं कि ये क्या है। ये आशिक की टोपी। वाह जी वाह, आई वाह, मियाँ मियाँ। चलो इधर झाड़ू लगाते हैं, ये भी सफाई करते हैं इधर से। ये लड़कियों की है, सरदार की है? सरदार की है, पर लड़कियों की है। वाह जी वाह, टूटी हुई है नीचे से, सारा सिस्टम सरदार का है। सही है सही है, ये पेस्ट भी। सरदार ने पता नहीं क्या क्या इकट्ठा किया हुआ है, देख रहा है? ये क्या है? ये वो चार्जर वाला हुक्का है। अच्छा 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 अच्छा, सरदार का है।
अच्छा जी, सरदार लगता तो वैसे शरीफ है। क्या क्या उसने रखा हुआ है? ये दोनों सरदार के हैं। चलो जी, चलो सफाई करते हैं, इधर आपको दिखाते हैं, ये अभी देख लें क्या सीन है। ओ केबल, केबल काम की चीज है, नहीं पड़ी हुई है, बिल्कुल नहीं पड़ी हुई है, वही ना, खजाना दबा हुआ है इसके नीचे। तो ये सारा नीचे से भी करते हैं सफाई एकदम से क्लियर। फिर यहाँ पे इस सरदार की मंजी दोबारा रखेंगे, ये चारपाई, सॉरी मंजी, हम पंजाबी मंजी बोलते हैं इसको। हम बोलते हैं इसको खट खट खट। हाँ, सिंधी में खट बोलते हैं, सिंधी में खट, पंजाबी में चा अपना मंजी, उर्दू में चारपाई, पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं इसको। ये चीज मैं तो कहता हूँ इसको निकाल लेते हैं, थोड़े ये नहीं पता क्या करो, एक मिनट रहने दो इसको, इसके ऊपर सारा कचरा करो ना, फिर इसको ब्लेट के निकाल लेंगे, कचरा इसके ऊपर पड़ा रहने दो ना, ऐसे ना करो, वो नीचे गिरेगा, उधर से निकालना मुश्किल हो जाएगा। अयुआ ऐसे, बिल्कुल सही बात, बाहर ही फेंकते। चलो ठीक हो गया जी, माशाल्लाह फाइनल सफाई हो गई है। अब ये फिर बाकी तरह जो है ना, सारा कचरा आ रहा है इधर ही, बाकी अंदर से भी आपको दिखाते हैं कि क्या सीन हुआ है अंदर से। ये जी माशाल्लाह सफाई की है, तो अभी ये देखें सीन, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हो गया ये। अभी किचन जो है ना वो रह गया, वो सफाई कर रहे हैं अभी जो है ना, ये किचन की सफाई हो रही है जी, बहुत ही कचरा है इधर तो, इधर तो बहुत है, पता नहीं कितने साल के बाद कर रहे हैं यार, ये चलता नहीं है ये लालटेन, पता नहीं यार, इसको चलाया ना यार रात को लाइट के लिए, ये चलेगा सही यार, इसके अंदर अगर डीजल डाला जाए, डीजल डाला जाए तो ये चलेगा मेरे साथ, उधर पड़ा है ना, आया हाँ शेबे का पड़ा है ना, वो ड्रम भरा हुआ है, किधर है वो जो ड्रम भरा हुआ है शेबे का, कौन सा ड्रम, उधर ड्रम पड़ा है ना, नहीं पड़ा है करीब, हाँ नहीं है यार, हाँ फुल लगा हुआ है ड्रम, अच्छा हाँ फुल है, तो फिर भरेंगे ना उधर से, आज चलाते हैं इसको यार, इसको देखो तो सही चलता है जो चलाए, तो फिर ठीक, इतनी रोशनी हो जाएगी इसका, ऊपर लटकाएंगे इधर, क्या ख्याल है, रोशनी भी चल जाएगी, नहीं इसको सफाई करते हैं आज, इसका कुछ करते हैं, इसको चेक करो, सफाई ईमान है, सफाई कहते हैं ईमान है, सफाई ईमान को नहीं कहते, कहते हैं सफाई निसफ ईमान, हाँ इधर तो कुछ भी नहीं, अगर ईमान है बंदे का तो आधा ईमान जो है ना वो सफाई का होता है, सफाई का होता है, हाँ जी, यार इधर जो है ना, इधर की सफाई करनी यार, ये जो है ना चीज, हाँ ना, पता क्यों जब वीडियो बनाता हूँ ना तो यार ये बड़ा गंदा सीन नजर आता है, इसको मैं उतारता हूँ, मुश्किल नहीं है, आप करो इसका, मैं इसको उतारता हूँ ये लाइटर वगैरह, एक मिनट, काम की चीज़ इधर रखें, सबसे ज्यादा जो गंदा ना इधर ही होता है, क्या ख्याल है, असल में ये तवे के साथ लगा हुआ है, इसको निकाल लो, इसको बाहर रख दो ना, मैं बाद में साफ करूंगा, ये नीचे सफाई कर दो ना, बाकी मैं उसको बाहर में रखता हूँ बाद में, अरे वाह इधर दे दे मुझे, और नीचे से होगी ना बस, इसको रखते हैं बाहर, एक ये उसके अंदर बड़ा कचरा था, ठीक है जो रखा होता ना हमने चूल्हे के नीचे, एक इसके अंदर, ये मैं आराम से रखता हूँ सफाई, बाकी मेन चीज़ ये है, गैस नहीं होता था ना, हाँ लकड़ियाँ रखते थे इसके अंदर, अच्छा तब भी जला है ये, तब भी जला है, मैं भी सोचूं यार ये क्यों जल गया सारा, इसके अंदर भी कचरा है यार, आपको गैस नहीं होता, इसके अंदर भी है कचरा यार, ये खुलती नहीं है, हाँ वाह, ये सारा कचरा आटा लगा हुआ,
सर पे चैन से भी मैं अंदर रखो। ये जी अभी ये अच्छी सफाई हो गई है, देखें बस ठीक है, सही है। मैं नीचे सफाई करी होगी ना, ये चीज़ से देखें काफ़ी अच्छी होगी। एक बार तो ये सारा गंदा जी किचन में बहुत ज़्यादा गंद था यार। ये भी सफाई ऊपर से कर देते थोड़ी सी, मैं निकालता हूँ, मैं ऊपर से उठाता हूँ सारा सामान। इसके ऊपर भी है थोड़ा सा गंद सब। खजूरें खराब हो गई, फेंक दें फिर क्या? खजूरें ये ऑयल पराठों के लिए हाँ? हाँ। सही। ये क्या है? ओहो किधर की तोड़ दिया अबा। अबा ये चीज़ करना ये सारा कचरा है ऊपर देखे। ये किसके लिए डेटोल? किसके लिए? एक मुंडा था उसको दर्द था। अच्छा अच्छा इसके ऊपर यार सफाई करो ना, फिर नीचे वाला सामान ऊपर रखूंगा फिर नीचे कर लेना है कि नहीं? आई वाह सही है। आज फिर ठान लीजिए सफाई करनी करनी है। हाँ लाजमी करनी है, मौका नहीं। बस ठीक है, इसको इधर लेने, इसको इधर लेने। मैं ना ये सामान सारा ऊपर रख। अब इसकी जो है ना ये बाहर निकाल लें नीचे वाले की। अब नीचे वाले के अंदर बड़ा कचरा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये जी हमारे पास और शीट तो नहीं थी, लेकिन ये वाला, ये हमने छोटा सा मिला ये वाला, हमने डाल दिया इसके अंदर काट कूट के, क्योंकि हमने इधर रखने होते हैं सब्जी वगैरह, ताकि जो है ना ख़राब नहीं होगी। ये नया आलू आया है, इनको साइड पर रखते हैं, पहले ये बनाएंगे। ये नमक आ गया हमारा जी, बाकी चीज़ें भी इधर ऐड करते हैं। ये वाली ये भी नमक है जी, ये मोटा नमक है, बारीक नहीं है। बाकी चीज़ें भी सेट करते हैं और फिर आपको फाइनल करके फिर आपको दिखाते हैं। ये कचरा देख कितना निकला, ये पूरा रूढ़ी निकली है यहाँ पे। हाँ अस्तग़फ़ुरुल्लाह। इसका क्या करना है? इधर से नहीं करनी सफाई? किसका? इधर से इसके करता हूँ कोई सिस्टम। 5 मिनट लगेंगे ये भी हो जाएगा फारग। इधर इस कचरे को इधर जाने दो, ठीक है ना? हाँ। ये मिलके आप करता हूँ ना सारा कचरे, इसको इस साइड पे निकालते हैं। हाँ। नीचे से गंद निकल जाएगा एक बार। ये सारी रोटी जो है ना ये भी सारी सफाई हो जाएगी एक बार, सही है?
इसको उठाएंगे। हाँ ना, उठा देते हैं इसको, यहाँ बाहर रख देंगे या फिर दोबारा रख देंगे, इसको मुश्किल नहीं है क्योंकि एक बार सफाई हो जाएगी भाई। ये कहता हूँ मैं भी साथ लगता हूँ आपके। ये रोटी साइड पर नहीं है, मैं इसमें डाला थोड़ी और खो। ये आपका गिला है सबसे ज्यादा, लोग कमेंट यही कर रहे थे सफाई करो यार अपने घर से। सफाई भी हो गई है, आज सफाई हो रही है। मेहनत है ना, कोई भी काम पे। हाँ मेहनत है। ये चप्पल भी निकल आई, ये भी सरदार की। हाँ ये सरदार की, हर चीज सरदार की है। सारा सिस्टम सरदार का है, वो है ना, हर चीज सरदार की है, कोई चीज नहीं है बिल्कुल खाली है। तो बड़ा पसंद ही यार, बहुत पसंद ही बड़ा है। अभी किचन खुला हुआ। हाँ थोड़ी देर बंद इधर कुछ कुछ मेरे पीछे लगा, अभी क्या थोड़े थे। ये मोटर है, ये बैटरी है। ये चेस हो गई सफाई, हो गई माशाल्लाह, माशाल्लाह जबरदस्त हो गई। इधर पहले थे, इधर ही ठीक हो गया, ठीक हो गया। इस वाले को बराबर नहीं यार, इसको किधर रखना है, इधर ही रखना है। क्या क्या तो सही है, बैठने के लिए सही है। हाँ सही है, अभी फ्रिज को इधर रखें। ये जी सारा कचरा फ्रिज के नीचे से निकला है, ऊपर भी यार एक झाड़ू मार लेते एक बार, इधर से ऊपर से। ऊपर तो सही है, नहीं ऐसे उल्टा हो ना सारा कचरा निकल आएगा। है ऊपर के नहीं है, ऊपर कोई नहीं, कचरा नहीं है, बस जो भी चीज़ फालतू है वो उतार लो बस। ये बाकी सब बस ठीक है, ये बस निकाल लेते हैं बस, बाकी हैं। बाकी हो गया तकरीबन सारी, सांस चढ़ गई। ये जो है ना बारीकी से सफाई नहीं होती, ये किसी दिन निकाल के ना कोई नया डालना पड़ेगा, या फिर किसी दिन जो है ना ये वैसे ही निकाल देंगे। क्या ख्याल है? कौन से? ये वाला फर्शा। हाँ ये निकाल देंगे या फिर कोई और रखेंगे। बाकी मेन में जो कचरा था ना वो सारा का सारा जो है ना निकल चुका है। बाकी यार ये क्या चीज़ है, वो चूहा यार इधर चला गया इसके अंदर, बदला है इसके अंदर। हाँ ना, वो दीवार के साथ चढ़ता गया है, पता नहीं कौन सा था, कसम से वीडियो बनी है मैं आपको दिखाता हूँ। वो नीचे से दीवार में चढ़ गया यार, बड़े शियार हैं ये, इसका मतलब है सब में जाते हैं ये। हाँ। ये जो बने हुए हैं ना इसके अंदर भी जाता है, मेरे कमरे की तरफ जाता है इधर से, ये जो सुराख बना हुआ है। क्या क्या इधर यार जानवर हैं डेजर्ट में। ये जो है ना सबसे ज़्यादा गंदा यही है, साफ करते हैं। ये सारा देखे गंद कितना ज्यादा निकला है, ये चारपाई भी निकाल दी खराब है, ये भी फेंक देंगे बाहर उधर। ये
ये जो है ना इतनी साफ़ हो सकता है, बाकी जो है ना ऑयल इसके ऊपर लगा हुआ है वो उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास तो। बाकी ये काफ़ी अच्छा साफ़ हो चुका है, इसको रखते हैं अभी। सांस चढ़ गई यार। ये जी चूल्हा अपना सेट हो गया जी, ये देखें सफाई माशाल्लाह जितनी हो सकी हमने की है, ठीक है। ये देखें सफाई हो गई अभी, और बाकी जो है ना अभी यहाँ पे वो रोटी बनाने वाला जो है ना वो फट्टा, उसको मैं अच्छी तरह साफ़ कर लेता हूँ। यहाँ पे पड़ा हुआ है ये वाला फट्टा, इसको मैं ज़रा सर्फ के साथ जो है ना धोऊँगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा गंदा है, ऊपर से साफ़ है वैसे। तो पानी भी हमारे पास मौजूद है, तो इसको जो है ना कूचे के साथ साफ़ करूँगा अच्छी तरह। वो पानी ठंडा है वो वाला, वो नया मैं लेके आया था। जितना पैसा है ना भाभी जा दो, साढ़े तीन करोड़ हम साढ़े तीन करोड़ में दो रिपेयरी करे पैसा। बाकी इसमें सारी खराब जो सब्जी वो फेंकी, वो जो सही है ना वो इधर रखते हैं। मिर्चें ये सारियाँ सही हैं, वो भी धो रहा था मैं अभी, कि मैंने सोचा पहले जो है ना ये इसका कुछ बंदोबस्त करते हैं। मिर्चें सारी सही हैं ये, हाँ ये सही है ये ले जाओ, बट ठीक है ये वाला। बाकी ये फेंक देते हैं, ये सारा कुछ रही है अभी। थरमास दोनों जो तोड़ दिए थे इसने, ये भी फेंकते हैं उधर भाई साहब, इसको उठा लेते हैं ये चीज, और इसको पीछे फेंक के आते हैं किसी दूर जगह पे। आइयो टोकरी जो है ना वो हमारे काम आ जाएगी। बाकी है कचरा है सारा इधर ही फेंकते हैं। ये जी माशाल्लाह फाइनल जो है ना आपको किचन अपना दिखाते हैं। माशाल्लाह ये देखें सफाई हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटे मोटे जो कचरे ना ये फर्श से नहीं निकलते। बाकी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सुराख बने हुए हैं यार, यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें बाहर का नज़ारा, एक ये सुराख बना हुआ है, वो किरली यहाँ पे किरली घूम रही है, यहाँ से काफ़ी अच्छी हवा आती है। पहले फ्रिज पड़ी हुई थी, अभी इसको हमने नुक्कड़ में लगा दिया भाई साहब, और यहाँ पे ये सिस्टम है। ये भी हमारा आ चुका है, मैंने धो के रख दिया अभी इसको अल्हम्दुलिल्लाह। थक चुके हैं, थक गए हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह सफाई काफ़ी अच्छी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इस पानी का कुछ करेंगे यार, ये पानी हम इधर ही बर्तन वगैरह धोते हैं ना, पानी वगैरह पीते हैं। इधर तो छोटी सी खाली बना देते हैं, पीछे निकाल के इधर छोटी सी खाली बन जाएगी, यहाँ पे धूप है वैसे सूख जाएगा पानी। देखते हैं इसका कुछ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी कंप्लीट हो गया, बाकी इसका मैं कुछ इलाज करता हूँ अभी जो है ना। ये इसको खोलते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, मैंने तजर्बा करना है कि क्या लिखते हैं ये। हो सकता है इसके अंदर कोई अल्लाह ताला का नाम ना लिखा हो, हमने फेंक दिया, क्या ख्याल है? कुरान शरीफ के लफ्ज़ होंगे तो फिर आपने क्यों फेंका? मैं फिर अभी बाहर से उठा कर लेके आए, इसे खोलते हैं और फिर इसको चेक करते हैं क्या लिखा हुआ इन्होंने। एक में से ये निकला धागा ऊपर लगा हुआ है, दूसरा ये है, ये पहले ये खोलते हैं इसमें क्या है। मैं तो नहीं मानता तवीज़ों शवीज़ों को, आप भी नहीं मानते? मैं नहीं मानता हूँ। पहले आप मानते थे? पहले बोला बड़ा यकीन करता था इस पर। अच्छा तवीज़ों पे? तवीज़ों पे। फिर क्या हुआ? अच्छा सिस्टम धर्म भरम हुआ ना, मैंने कहा बस छोड़ो अल्लाह पे यकीन रखो। बस अल्लाह पे यकीन होना चाहिए यार, ये लोग तो वैसे भी जो देता है वो से यार। इस पे आप यकीन करते हो? ये देखो एक कागज़ का टुकड़ा है, इस पे यकीन? इस पे यकीन कितने पागल लोग हैं यार, देख लो आप। हाँ अभी देख सऊदीया में ये है, सऊदीया में लोग लेके आए हैं, कौन लेके आते यार? खोलने से भी डर रहा हूँ। नहीं 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 अल्लाह से डरो भाई, इससे क्यों डर रहे हो? ये जब तक अल्लाह नहीं ना बुरा चाहेगा कुछ भी नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाह लिखी होगी, 110 लिखा होगा, बस देखना। अच्छा जी आपको पता है? ये तो सारा मिट गया। मिट नहीं गया,
डबल होगा ये, खुद सोचें यार जी, मीठा हुआ है, डबल है, वो गीला हो गया मेरे ख्याल में। वैसे दिखाएं जरा ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऐसे किसी ने ऐसे लिखा हुआ है बस। ये देख लो, हाँ ये है बिल्कुल, लेकिन मिट गया है, किसी ने ना ऊपर स्टार बनाए हुए हैं। स्टार नहीं है, ये तावीज है, अरबी में लिखा हुआ है किसी ने, लफज लिखे ये 90 लिखा हुआ है, 90 सात नौ, 90 90 90 2। ये क्या है, ये तुझे बताया ना, 786। हाँ मैंने तुझे बोला ना, ये 774 है, 74 लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह इसका बत्ता बनता है या क्या सिस्टम है यार, पता नहीं क्या करते रहते हैं। ये कोले जरा, ये भी वही होगा सिस्टम, ये इकट्ठा ही था, बड़ा पुराना है इसका तवीज का असर खत्म। खत्म क्या यार, ये तो बेकार चीजें हैं, खुद सोचे ना यार। वो तो मैं खुद सोच रहा हूँ, अभी सोचो ना यार, ये इसका क्या असर होगा, क्या कुछ होगा इसका। कागज ये देखो, खाली में पैकिंग जैसे कोई, ये देखो तवीज बना हुआ, पता नहीं क्या क्या इस पे लोग अमल करते हैं। ये देखो ये पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं है, बस कागज का टुकड़ा है बस। इस तरह तो किताब का, वो इंग्लिश की किताब नहीं है, उसमें वर्का उतारो, पैक बना के गले में डालो, वैसे ही है ना सिस्टम, बस ऐसे ही यार। लोग क्या कहें इनको, कुछ नहीं कह सकते। इस तावीज के मैं तुझे बताऊं, ज्यादा से ज्यादा 3,000 लिए होंगे, एक एक के। उसकी दिहाड़ी लग गई एक पन्ने के 3,000, एक पन्ने के 3 तावीज में उसके 10,000 बन गए, बंदा तो बढ़ गया ये बेकार चीज है, ये देख लो। अभी उधर भी पन्ने पड़े हैं 2-3, तुझे भी दे दू लिख के 784 110। नहीं आप दाढ़ी रखो, तवीज सीरीज पहनो तो पीर बन जाओ, आप बेड लगा हुआ है, अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू पीरी मुरीदी शुरू कर दो काम। ये देखे बेकार चीज है, कुछ फायदा नहीं हुआ इसका। काम हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारा काम हो गया, आपका शुक्रिया, आपने सफाई की, ठीक है। अभी काम पे जा रहे हैं, काम पे जाऊंगा, सही है, माल काटेंगे बिजली करेंगे। चले, ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, और सफाई करने में भी आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो आपका एक मिनट भी नहीं लगेगा लाइक और सब्सक्राइब करने में, तो जल्दी से करें ये वीडियो यहाँ तक, इंशाल्लाह आपको एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बाकी अगले व्लॉग में उसका कुछ मैं करूँगा और आपको दिखाऊँगा, ये लाल टेन का, या ये नहीं या फिर मैं नहीं।